हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू देसी इंजीनियरिंग दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल इन रोड के ऊपर मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ और उस सीरीज़ की शुरुआत इस क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के वीडियो से मैं कर रहा हूँ तो जो भी दोस्त है जो भी अपना नॉलेज में गेन करना चाहते हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और आप नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि क्या है क्वालिटी कंट्रोल और क्या है क्वालिटी एश्योरेंस तो मैंने यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट में ही बना दिया है कि शॉर्ट में क्वालिटी कंट्रोल किसे कहते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस किसे कहते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा दस ऐसे पॉइंट जो कि क्वालिटी कंट्रोल फेल हो जाता है प्रोजेक्ट साइड पे और किस वजह से फेल होता है उसके दस पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जैसे कि मेंशन किया गया है क्वालिटी कंट्रोल इसके नीचे लिखा गया है लैब टेस्टिंग मतलब से जो भी टेस्टिंग्स वगैरह होता है क्वालिटी कंट्रोल के अंडर आती है और क्वालिटी एश्योरेंस व्हाट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस तो उसके बाद आप मैंने नीचे एक पॉइंट लिखा है अप्रूवल्स कि अप्रूवल्स लेना है हमको क्या क्या चीज़ें होती है ये मेनली रिलेटेड है क्वालिटी एश्योरेंस है फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स और कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स है उसके लिए हमारे पास जिसे क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस में आता है कि हमको हम जो कर रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना है उसके लिए हमारे पास आई सिस्टम है तो ये क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस मेनली एक टेस्टिंग के लिए आता है लैब टेस्टिंग्स और एक है अप्रूवल्स तो ये हम लोग शॉर्ट में इसको समझ सकते हैं तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस साइट पे फेल क्यों होता है तो ये पॉइंट्स बहुत ही आसान है समझने के लिए और आपको मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट बताता हूँ सबसे पहले है डैमेज एंड लो क्वालिटी मटेरियल अगर क्वालिटी मटेरियल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वही लो क्वालिटी का होगा तो हमारा जो भी है क्वालिटी क्योंकि क्यों फेल हो जाएगा सप्लायर एंड वेंडर फेल्योर सब कॉन्ट्रैक्टर हैंडलिंग अगर हमारे पास सब कॉन्ट्रैक्टर जो है उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उसको प्रॉपर काम का नॉलेज नहीं है तो भी हमारा ये सिस्टम फेल हो जाएगा फेलियर टू डॉक्यूमेंट चेंजेस एंड प्रैक्टिस लास्ट मिनट चेंजेस कंसर्न ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आपके क्वालिटी वर्क के बारे में आपके काम के बारे में क्या सोचता है क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कैसे उसको प्रोजेक्ट को रन करता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बाद मिसकम्युनिकेशन बिटवीन टीम्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिज़ाइन अगर डिज़ाइन में कुछ चेंज होता है मान लीजिए हम लोगों ने कम आ, लोड के लिए रोड को डिज़ाइन किया और उसके ऊपर ज़्यादा लोड है तो भी हमारा फेल हो जाएगा रोड तो उसके बाद लैक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर सिस्टम अगर हमारे प्रोजेक्ट साइट में अगर प्रोजेक्ट मैनेजर सिस्टम ही नहीं होगा कोई कोई मैथोलॉजी नहीं होगी वर्क की कोई तरीका ही नहीं होगा काम करने का तो और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है इग्नोर ऑडिट एंड टेस्टिंग अगर हम लोगों ने टेस्टिंग्स और ऑडिट जो होती है ये इग्नोर कर दी तो हमारा पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा तो ये था क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का एक शॉर्ट वीडियो जो कि इसके बाद में एक पूरी क्वालिटी कंट्रोल इन रोड्स के ऊपर एक पूरा सीरीज़ लेके आ रहा हूँ और सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फ्लेक्सिबल रोड से एसपल्ट रोड से तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और मेरे अगले वीडियो के लिए वेट करिए Thank you very much.